इसराइल पलस्तीन वार में अब दुनिया दो भागों में बढ़ती हुई दिख रही है, तो इंडिया अभी तक इसराइल पलस्तीन वार पर काफी न्यूट्रल अप्रोच रखता था, लेकिन इस बार इसराइल पर अटैक के बाद इंडिया ने ओपनली इसराइल का साथ दिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्लियरली ये कहा है कि मैं शौक हूँ इस टेररिस्ट अटैक से और हम इस मुश्किल घड़ी में इसराइल के साथ है। नाउ यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा है कि वी विल नेवर फेस टू हैव इसराइल्स बैक। ओवरऑल मतलब यूएसए इसराइल के साथ है। नाउ अगर वर्ल्ड के बड़े लीडर्स की बात करें तो ऋषि सुनक ने क्लियरली ये कहा है कि इसराइल को खुद को डिफेंड करने का पूरा अधिकार है। तो वहीं फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने ट्वीट करके खुद को इसराइल के पक्ष में कर लिया है। तो ओवरऑल अगर देखें तो ऑलमोस्ट सभी यूरोपियन कंट्रीज इसराइल के साथ हैं। नाउ कुछ ऐसी कंट्रीज जो फलस्तीन की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है, तो पाकिस्तान टू स्टेट सॉल्यूशन के जरिए पीस स्टैब्लिश को सपोर्ट कर रहा है। तो वहीं चाइना इंडिपेंडेंट फलस्तीन इज द ओनली सॉल्यूशन की बात कर रहा है। नाउ अगर बात करें रशिया की, तो रशिया कह रहा है इमीडिएटली सीज फायर करो और जो भी वायलेंस हो रहा है उसे तुरंत रोका जाए।